नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। लखनऊ एयरपोर्ट पर सफाई कर्मचारियों का धरना। अचानक नौकरी से निकाले जाने से नाराज भारत विकास ग्रुप बीवीजी के सफाई कर्मचारियों ने दिया धरना। बीवीजी कंपनी पर लगाए गंभीर आरोप। 40 कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए बीवीजी कंपनी ने निकाला और 3 माह की तनख्वाह भी नहीं दी। 40 कर्मचारियों में महिलाएं भी है शामिल। कंपनी के मशीन ऑपरेटर के पद पर तैनात संजीव मलिक पर सफाई कर्मचारियों ने लगाए गंभीर आरोप। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि संजीव मलिक एयरपोर्ट के जीएम सिंह को पाले हैं और सफाई कर्मचारी से अभद्रता कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जाओ तो करना होगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विष्णु कुमार है, मैं बीवीजी कंपनी में काम करता हूँ। क्या पूरा मामला है जरा बताइए। मामला सर ये है कि मैं इतनी महामारी से जूझता चला आ रहा हूँ आज तक, और कल मैं अपने ड्यूटी पे आया, मेरे को कोई इन्फॉर्म नहीं दिया गया सभी को। सडनली मेरे को 12 बजे सुपरवाइजर जी बताते हैं कि आपको ऊपर बुलाया गया। क्या नाम है सुपरवाइजर का? सुपरवाइजर का नाम है रवि यादव। रवि यादव कि आपको मैनेजर साहब ने ऊपर बुलाया। जब हम 1:30 बजे ऊपर गए हैं तो हमको सडनली पास मेरा लेके बोलते हैं कि आज से आप लोग की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग सर रीजन भी पूछे हैं कि सर इतनी महामारी में हम लोगों ने काम किया, उनका मेरा रीजन क्या है, मेरी गलती क्या है। तभी उन्होंने कुछ नहीं बताया, बोले जाओ बस निकाल दिया तो निकाल दिया है। ये हमारे संजू मलिक का वर्ड था। संजू मलिक कौन है? ये संजू मलिक ये हमारे यहाँ ऑपरेटर हैं। अच्छा। लेकिन मैनेजर का काम करते हैं ये। किस चीज़ का ऑपरेटर है वो? मशीन ऑपरेटर। कुछ तनख्वाह भी बाकी है आप लोगों की? 2 महीने की 3 महीने की हमारी तनख्वाह बाकी है सर। सरकार बोलती है कोई निकाला नहीं जाएगा, तो ये क्या है हमारे साथ, ये न्याय हो रहा है हमारे साथ? क्या कोई दूसरे भी लोगों को इसमें भर्ती कर रहे हैं आप लोगों? 20 दिन पहले लड़के भर्ती हुए हैं, मेरे को अभी कल ही रात में पता चला है कि सबसे संजू मलिक ने 10,000 रुपए रिश्वत लेके उनको रखा गया है। आप लोग कितने साल से काम कर रहे हैं? सर हम लोग 2018 में आए थे 19 फरवरी को। आज उनको ना निकाल के हम भाइयों को निकाल दिया गया। लगभग कितने लोगों निकाला है? 40 लोगों को निकाला है। जब इनको निकालना था तो नए को निकालना चाहिए था, लेकिन नए से तो पैसे ले रखे हैं ना, रिश्वत ले रखी है, तो कहाँ से ये निकालेंगे? धमकी देते हैं क्या? एजीएम हमारे जीजा जो जिसको जो करते बने कर लो। कौन है एजीएम? एजीएम है हमारे भूपेंद्र साहब। अच्छा, मलिक कौन है उनके एजीएम साहब के? साले साहब हैं, बोलते हैं हम उनके, वो हमारे जीजा हैं। क्या कुछ धमकी भी देते हैं? धमकी देते हैं, जो करते बने कर लो, नहीं रखना है तुम्हें। लेडीज लोग तनख्वाह के लिए पूछते हैं तो उनको बड़ा गंदा वर्ड यूज करते हैं संजू मलिक जी। नाम है आपका? काकुली। कब से काम कर रही हैं आप यहाँ? यहाँ हम 8 साल से। क्या हुआ, क्या घटना घटी था आपके साथ यहाँ पर? क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि पहले की छटाई होनी है, छटाई के बाद उन्होंने क्या कहते हैं हम लोग को निकाल के बाहर कर दिया। कब निकालने की सूचना आपको कब दी गई? हमको उन्होंने कल रात, वही सूचना पहले से नहीं मिली थी। अचानक उन्होंने कल रात को हम लोग को नाइट की ड्यूटी करवाया, सुबह कह रहे हैं 5 बजे हमको आपके अपना पास जमा कर दो, कल आना नहीं पड़ेगा, उन्होंने हमें ऐसा कहा है। तनख्वाह भी कुछ बाकी है आपकी? तनख्वाह भी काफी 3 महीने से बाकी है। तनख्वाह के लिए आपने कहा तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ नहीं बताया। जब आएगी तब आएगी। तब आएगी। किसने आपको ये मतलब नौकरी से किसने कहा है? और क्या कहा है उन्होंने? कहा है कि क्या कहते हैं आपको हम लोग बाहर निकाल दे नहीं पाएंगे, जो करना मेरा वो कर लीजिए। इस तरह के कोरोना में हम लोग लड़ाई लड़े, नए लड़के 10-15 लड़के भर्ती हुए ना, और पुराने लड़कों को हटा दिया गया। किसी भी कोई आपको आप लोग खिलाफ शिकायत की गई जो आपको हटाया गया कि ऐसा ही? छुट्टियों में भी हम लोग ने ड्यूटी किया है। बताइए लॉकडाउन, इस तरह के लॉकडाउन में हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, 20 बच्चे हमारे क्या करेंगे? रोजी रोटी चली जाएगी तो क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे?